नाबालिग लड़कियों को पैसों का लालच देकर और अमीर बनने का सपने दिखाकर, बहला फुसला कर बड़े बड़े शहर महानगरों में काम के बहाने ले जाया जा रहा है। यह मामला झारखंड के उपराजधानी दुमका जिला की है, जहां दुमका पुलिस द्वारा बताया गया कि शुक्रवार सुबह को गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर अंबाजोड़ा शिकारी पाड़ा रेलवे स्टेशन रवाना हुए, जहां दबिश देकर संदिग्ध पति पत्नी को दबोचा। पुलिस के पूछताछ में महिला किरण देवी उर्फ पुतुल डोमिन और पुरुष निर्दोष कुमार दोनों उत्तर प्रदेश जिला हाथरस का रहने वाला है। क्या है, इन लोग को कहाँ लेके जा रहा था? आज 23 जून को करीब दोपहर 12 बजे शिकारी पड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ नाबालिग लड़कियों को शिकारी पड़ा रेलवे स्टेशन पर रखा गया है और काम के नियत से बाला फुसला करके दिल्ली ले जाया जा रहा है। उसी की जांच और सचेता के लिए टीम हम लोगों ने भेजा और उन चार नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया। बाद में पूछताछ में पता चला कि एक पति पत्नी है, किरण देवी और निर्दोष कुमार, ये हाथरस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो इन चार बच्चियों को काम कराने के नियत से ले जा रहे थे दिल्ली, और उन लोगों को हम लोग रेस्क्यू किए हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और उन लोगों को जो है कि न्यायिक हिरासत में भेजने के हम लोग ये काम कर रहे हैं। बच्ची लोगों को क्या है? बच्ची लोगों को हम लोग फिलहाल जो है कि CWC को हम लोग सौंप रहे हैं और बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। इनके बयान पर मामला दर्ज हुआ? मामला है जो बच्ची के फादर के ये पे बयान पे काम दर्ज किया गया है।